हमारे यहाँ कालका विधानसभा में एप्पल मंडी जिसका बहुत समय से इंतजार चल रहा था कि कब इसकी विधिवत रूप से शुरुआत होगी। हमारे को इस बात की बहुत ही खुशी है कि आज से, जब पिछले 2014 से 19 की जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी ने इसका शिलान्यास किया था। HMT में 80 एकड़ में ये जो जगह है, जो कि नेशनल हाईवे के साथ लगती हुई है और बहुत ही प्राइम लैंड है, और उसमें शिलान्यास किया था एप्पल मंडी का। शिलान्यास ही नहीं किया, उसके बाद अब इसको हमारे अब जो मुख्यमंत्री हैं भाई नायब सैनी जी, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो 17 तारीख को हमारा समय निश्चित हुआ है और उसके साथ साथ 11 बजे उनके आने का समय है। तो एप्पल मंडी, जो कि नाम एप्पल मंडी है लेकिन हर तरह की सब्जी और फ्रूट मंडी, उसका ये एक केंद्र रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि नॉर्थ इंडिया में ऐसी अति आधुनिक मंडी सिर्फ हमारी यही मंडी है, जिससे हमारा पिंजौर का ही नहीं, हमारी कालका विधानसभा का नाम भी इससे ऊंचा होने का काम होगा। और यहाँ हमने जो इसका टारगेट रखा था कि कम से कम हम 10,000 लोगों को रोजगार दे पाएंगे, और इसके साथ जो आसपास का जो क्षेत्र लगता है, क्योंकि हमारा हिमाचल को टच करता हुआ क्षेत्र है, तो और भी जो हम लोगों को यह सुविधाएं दे सुख सुविधाएं दे पाएंगे, उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ से जो HMT है साथ लगता हुआ, पीछे मानकपुर देवीलाल और इस तरह का जो क्षेत्र दून क्षेत्र है, उसके लिए भी हमारे को बहुत सी सुविधाएं ये रोड के माध्यम से, पुल के माध्यम से हमारे को देने का काम करेंगे। और अभी सब पूरी तैयारियां हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे कंवर पाल जी जो कि हमारे मंत्री हैं, वो भी यहाँ इसमें आएंगे, और बहुत से जो है इसमें गणमान्य व्यक्ति इसके अंदर आने वाले हैं। और हमारे यहाँ जो इस मंडी के कहते हैं ना कि जिनके ऊपर ये मंडी है, ऐसे हमारे पूरे अनूप जी के साथ पूरी उनकी टीम, जिन्होंने लगातार पिछले वर्ष से यहाँ शुरुआत की इस मंडी की, और इस मंडी की रौनक और इस मंडी का बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया, मैं तहे दिल से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और पूरा प्रशासन 17 तारीख को इस तैयारी में लगा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और हम भारी संख्या में अधिक से अधिक यहाँ पर आकर के स्वागत करेंगे। सभी भाई बहन सबको बहुत ही इस बात का बहुत ही खुशी है कि यहाँ पर 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। 10,000 के करीब यहाँ पर संख्या का अनुमान है हमारा। देखो, ऐसा है कि हमारा तो इस क्षेत्र में दिया हुआ, हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पहले भी देने का काम किया, जैसे ये सबसे बड़ी सौगात है। उसके बाद 132 KV स्टेशन जो कि हमारा दून क्षेत्र में चल रहा है, उसकी भी उसका भी उद्घाटन का, और साथ साथ जो हमारी परियोजनाएं पहले की चल रही है, चाहे वो पिंजौर बाईपास बद्दी है, चाहे अमरावती अंडरपास है, इस तरह की बहुत सी योजनाएं जो लगातार चल रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के जो हित के लिए और सरपंचों के लिए जो इतना बड़ा तोहफा दिया, उसके साथ BDC मेंबर, जिला परिषद मेंबर और एक्स जो सरपंच थे, उनकी भी जो मानदेय बढ़ाने का काम किया है, पेंशन देने का काम किया, उसके लिए भी सब बहुत धन्यवादी हैं। और अभी सब उनका स्वागत भी यहाँ पर इस उसमें करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि 17 तारीख को ये हमारी एप्पल मंडी है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, और जो इनकी नींव एप्पल मंडी की नींव रखी गई थी वो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा रखी गई थी। और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और इसका जो लाभ है हमारे जो यहाँ के इलाका निवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका लाभ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी एप्पल मंडी के अलावा, इसमें सभी तरह की सब्जी वगैरह और आरती सभी आएंगे और सभी को इसका फायदा होगा। और जैसे एक यहाँ पे अगर 1,000 ट्रक आता है तो उसके साथ दो तीन चार बंदे होते हैं, 3-4 हजार बंदे उसके साथ आते हैं, तो उनका जो है यहाँ कहीं रहना सहना, उसके साथ हमारा जो इलाका है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उनके लिए जैसे जो हमारे यहाँ मकान वगैरह कमरे वगैरह हैं, लोग शिमला से अगर कोई आते हैं तो एप्पल के मंडी के उसमें
तो कमरे किराए पे लेंगे, रोजगार मिलेगा, हमारा इलाका जो है बहुत ज्यादा खुशहाल होगा। तो मैं अपने सभी इलाका निवासियों को ये अपना विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी ज्यादा से ज्यादा हमारे इलाका के निवासी हैं वो 17 तारीख को यहाँ सुबह 11 बजे यहाँ पहुंचे और अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि हमारे बहुत ही ऐसे है कि जैसे आम आदमी है ऐसे मुख्यमंत्री के आव भाव है, कभी भी उससे उनसे कहीं भी कोई मिल सकता है, कहीं भी बात कर सकता है। और जो जैसे कि किसी के दिल में बात होती है अगर वो कहते हैं, तो कल भी हमने देखा कि गार्डन के अंदर एक लड़का बैठा हुआ, वो कहता है जी मेरी इच्छा है कि मैं फोटो खिंचाऊं, उनके पूछने की क्या बात है, उसी समय उसने उन्होंने सबको पीछे करके फोटो खिंचवाई। और बहुत ही मतलब ऐसा है कि जो कार्य आज तक नहीं हुए सभी कार्य जो हैं वो होंगे, और हमारे को भी उन्होंने कई तोहफे दिए हैं अपना परिषद के अंदर भी। तो हमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे को बताओ, हम आपकी अब लाइटों की है, लाइटों के लिए हमने जहाँ तक हो सका कि हमने किसी को बोलने नहीं देना, 10-12 दिन 15 दिन के अंदर अंदर हमने अपने इलाके में बल्ले बल्ले करा देनी है, क्योंकि आगे विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। तो मैं तो आप अपने इलाका निवासियों को फिर एक निवेदन करता हूँ कि सभी लोग आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का यहाँ पे अपना उनको मिले और उनको अपना धन्यवाद करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। पिंजौर जो है हमेशा ही तत्पर रहा है किसी भी कार्यक्रम के लिए। यहाँ पर पिछले साल से हम लोगों ने यह काम शुरू किया है। तो यहाँ जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय 17 तारीख को 11 बजे उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारियाँ चली हुई है। आरती एसोसिएशन अभी आपस में बैठ के मीटिंग करेगा, जो भी हमारे को जो भी यहाँ की जो हमारी आदरणीय श्रीमती लतिका बहन है जो भी हमें दायित्व देगी हम उसके लिए निभाने के लिए तत्पर रहेंगे। और ये कार्यक्रम छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये कालका वासियों के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी मंडी इस तरह की बनती जा रही है कि आप आने वाले समय में देखना कि हब होगा ये मंडी, इंटरनेशनल मंडी, लगभग इसको अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में जाना जाएगा। और हम आरती एसोसिएशन जो भी हमारे दायित्व होंगे हम बखूबी उसको निभाएंगे। ये अथक प्रयास यहाँ की पूर्व में रहे विधायिका लतिका शर्मा जी का है, जिन्होंने इसके लिए लगातार 2 साल से संघर्ष करते आई है। और सभी हमारे जितने भी हमारे यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे आरती एसोसिएशन के, इन्होंने बखूबी निभाए। और ये जो भी हमें दायित्व देंगे हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, और जितना भी जो भी संख्या बल है जो भी है जो हमारे दायित्व होंगे हम विधिवत रूप से करेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी।